तो चलिए बात करते हैं सीरियल उडारिया के आज के एपिसोड के बारे में। सीरियल उडारिया का आज का एपिसोड खास तो होने ही वाला है, लेकिन आज के एपिसोड में तेजो को किसी का साथ मिल जाएगा। जी हाँ, तेजो को अपने ससुर का साथ मिलेगा और ससुर जी ने साफ कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। तेजो गुरुद्वारे में थी, रात भर उसने गुरुद्वारे में बिताए, उसे होश भी नहीं था कि उसका फोन बज रहा है और वो सुबह उठते ही काम में लग गई, गुरुद्वारे के काम में लग गई। तभी खुशवीर सिंह वहां पहुंच जाते हैं और वो अपनी बहू को देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं किया तेजो तुमने, तुम्हें कम से कम एक फ़ोन कर देना चाहिए, हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन फिर खुशवीर सिंह ये भी कहते हैं कि लेकिन आज से मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम मेरे बेटे समान हो, तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे कहो, तुम कहीं ना कहीं मेरे जैसी हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। इधर तेजो घर आ जाती है और घर आने के बाद फतेह उसे गले लगा लेगा और फिर कहेगा कि तेजो जी आप कहाँ थी, आपने एक फ़ोन भी नहीं किया। जब गले लगाता है तेजो को तो तेजो को बड़ा अजीब सा लगता है कि फतेह ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर फतेह कहता है कि आप एक कॉल नहीं उठाई, आपने एक कॉल का जवाब नहीं दिया, कम से कम आपको बता देना चाहिए था, हम लोग परेशान नहीं होते, रात भर हम और आपके भाई बाहर थे, रात भर आपको ढूंढे लेकिन आप कहीं नहीं मिली। यहाँ पे सॉरी कहती है तेजो और कहती है क्या करती मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे होश भी नहीं था कि फ़ोन आ रहा है। अगर जैस्मीन, जैसे ही तेजो जैस्मीन का नाम लेती है फतेह को समझ में आ जाता है कि जैस्मीन की वजह से ही तेजो जी ने किसी का फ़ोन नहीं रिसीव किया था। इधर घर वाले यानी कि तेजो के घर वालों को भी ये खबर मिल जाती है कि तेजो घर वापस आ गई है। फिर जैस्मीन को बहुत फटकार लगती है, सभी कहते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, आइंदा से कभी भी तेजो और फतेह की ज़िंदगी में मत आना। अब आपको बता दें कि यहाँ तेजो की माँ तेजो से मिलने जाना चाहती है और वो निकल भी गई है, लेकिन जैस्मीन कहती है कि मैं भी जाऊँगी क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो फतेह के पास है और मैं जाकर लूँगी। लेकिन यहाँ जैस्मीन की माँ उसे रूम के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि तुझे बिल्कुल भी तेजो और फतेह की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं पासपोर्ट लेकर आऊँगी या फिर बाद में किसी से मंगवाऊँगी, तुझे नहीं आने की ज़रूरत है। अब वो जैस्मीन को बंद तो ज़रूर कर देती हैं लेकिन जैस्मीन भी मन ही मन ये सोच रही हो कि मैं यहाँ से तो निकल कर रहूँगी। अब आपको बता दें कि माँ तो पहुँच जाती है जैस्मीन से मिलने के लिए, जहाँ दोनों का इमोशनल मिलन भी होता है और आप ये भी देखेंगे कि कैसे फतेह का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत भी हो रहा है। लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट भी शो में आने वाला है, लेकिन कौन सा वो ट्विस्ट है हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।